subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक प्रश्नोत्तरी सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो ये प्रश्न हैं ये लिए गए हैं पुराने पेपरों से। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी, इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ पर संग्रहित किया था। दोस्तों, इस विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में हम बात करें 30 प्रश्नों के, और उनको हम डीपली यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को कर लीजिए एक्टिवेट, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण कारण हो सकता है, तो यह कारण किसका हो सकता है? तो आप भी मेरे साथ अपने आंसर्स को गैस कीजिए और उसके बाद फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो जो ये पहला प्रश्न है, तो उसका ऑप्शन है यकृत का, या मस्तिष्क का, या मुखी कैंसर का, या त्वचीय कैंसर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, त्वचीय कैंसर का, क्योंकि सूर्य से आने वाले हानिकारक पर्यावरणीय विकिरण त्वचा कैंसर कारण हो सकता है। यह सीधे मनुष्य के स्किन को प्रभावित करती है, लेकिन हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर अल्ट्रावायलेट किरणों को, जो परत होती है, वो इन किरणों को, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी तक आने से रोक देती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है, जिसमें लोग क्या करते हैं? पहला है, निद्रा में चलते हैं बिना इसका ज्ञान के कि वो क्या कर रहे हैं। निद्रा में आंखें आधी खुली होती है। निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है, या निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। तो स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया जो भयंकर बीमारी है, इसमें होता है निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। सी इसका सही आंसर किसका, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टू का, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लोगों में निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है, तो इसमें लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जो ये बीमारी होती है। अगला है कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, वह होती है, ठीक है? जो कोरोनरी धमनी होती है बाईपास सर्जरी, उसमें जो बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, वह क्या होती है, ठीक है? तो ए होता है क्या, पाँव से ली गई सिरा, या होता है बी, अग्रहस्त से ली गई धमनी, या छाती या सीने के वक्ष स्थान से ली गई धमनी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों ऐसा डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोरोनरी धमनी में बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, वह पांव से ली गई सिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी, सीने या छाती से ली गई धमनी आदि में से कोई भी हो सकती है, ठीक है? तो इनमें से, मतलब ये सभी हुआ वैसे आंसर, ठीक है? तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं इसका डी आंसर। अगला है, मतलब ये चारों के चारों इसमें यूज की जा सकती हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं इनमें से, ठीक है? तो इनमें से किसी एक को हम आंसर नहीं मान सकते हैं। बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है, जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो आपको बताना है किसका उपचार हम इसके द्वारा करते हैं। पहला ऑप्शन है घुटने, जो पहला ऑप्शन है इसका, ठीक है, घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब के जोड़ों का, या कसेरू की जोड़े का, ठीक है? तो बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग जो है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका सभी होंगे, ठीक है? घुटने के जोड़ों के भी होते हैं, एड़ी के, मतलब जो क्वेश्चन ये आयोग द्वारा इसका आंसर दिया गया था, ठीक है, बाद में, मतलब इसका जो आंसर दिया गया था वैसे, तो इसको बाद में हटा दिया गया। मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन इसमें से कोई भी आए तो सभी इसके आंसर होंगे, ठीक है? तो आज के हिसाब से क्या होता है कि ये जो नई चिकित्सा पद्धति के अनुसार इसमें संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापित
के विकल्प के तौर पर इसको लिया जाता है। ठीक है, जॉइंट रिसरफेसिंग या बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग के नाम से इसको जानते हैं। इसका प्रयोग घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी जैसे कशेरू जो प्राणियों के जोड़ों के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है कि सभी आज की डेट में जो हो रहा है, पहले इसमें गठिया वाली तह को ही बदलने की सुविधा, ठीक है, उपलब्ध होती थी, मतलब बहुत ही कम थी। अब क्या है कि घुटने के जोड़ों का, एड़ी के जोड़ों का, नितंब के जोड़ों का, कशेरू जोड़ों का, सभी प्रकार के जोड़ों के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सभी आंसर सही हैं इसके। अगर आपके क्वेश्चन में ये सब आते हैं तो आपको ऑप्शन देख के इसको कर सकते हो। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी, यानी कि जो कैथ लैब आपने कई बार सुना होगा और देखा भी होगा, ठीक है, तो निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत में आती है? पैथोलॉजी विभाग में आएगी, शल्य चिकित्सा विभाग में आएगी, कार्डियोलॉजी विभाग में आएगी, या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में आएगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी विभाग के अंतर्गत आती है कैथ लैब। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। ठीक है, तो सेरेब्रल पाल्सी जो एक मस्तिष्क संबंधी विकार है पाया जाता है किसमें? वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, या आपका केवल महिलाओं में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो है सेरेब्रल, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, यह एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः 7 वर्ष तक के बच्चों में विशेष रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न जो है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहेंगे? फॉस्फोरेसेंस कहेंगे, या ब्योल्यूमिनेसेंस कहेंगे, या ए और बी दोनों कहेंगे, इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे। क्या होगा उत्तर इसका? इसका होगा सी, ए और बी दोनों। कुछ समुद्री जीव जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को फॉस्फोरेसेंस तथा बायो ल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं। तो इसका ए और सी, ए और बी दोनों सही होंगे, यानी कि सी आंसर इसका सही है। चलिए अगला देख, स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा प्रोजेस्टेरोन, या टेस्टोस्टेरोन, या एस्ट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, एस्ट्रोजन। स्त्रियों में रजोवृत्ति के पश्चात एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। यह हार्मोन अधिवृक्क द्वारा स्थापित होता है। ठीक है, जबकि इसमें जो आपको बी दिख रहा है ये पुरुषों का होता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ए ट्राइनाइट्रोटोलुइनन, ट्राइनाइस्लोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन, या नाइट्रोक्लोरोफार्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोक्लोरोफार्म। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोक्लोरोफार्म है ये डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान एनिस्थिया, जो एनिस्थीसिया होता है उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, ये दवाई है, बाकी सब क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। अगला है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसमें क्या होगा आंसर? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए है थर्मोपाइल, बी है सौर सेल, सी डायनमो, या डी लघु नाभिक रिएक्टर। उसका बी सौर सेल सही होगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है, इसी से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है। ठीक है, अगला है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, तो कितनी होगी? एक व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होगी, या व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होगी, या व्यक्ति की ऊंचाई का एक चौथाई होगी, या व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा एक व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होगी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति के आधी होनी चाहिए, यानी कि जितनी उसकी लंबाई जितनी सेंटीमीटर होगी उतना आधा उसका प्रतिबिंब देखने के लिए, पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी क्या होनी चाहिए? शीशे की ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करते जाइए इस वीडियो को और शेयर भी करते जाइए अपने दोस्तों के साथ। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं साइंस की, यह आपके एनटीपीसी हो, एसएससी हो, ठीक है, रेलवे हो, या आपका आरओ एआरओ हाईकोर्ट हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के विशेष योगदान के लिए जाता है, यानी कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए जाता है। ए है सैद्धांतिक भौतिकी, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है लेजर भौतिकी, डी है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सैद्धांतिक भौतिकी। तो होमी भाभा पुरस्कार इसी के लिए दिया जाता है, यानी कि सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में। ध्वनि तरंगें नहीं चलती हैं, ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में, या डी निर्वात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी निर्वात में। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम में द्रव्यमान और घनत्व जितना अधिक होगा ध्वनि का वेग भी उतना ही अधिक होगा। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है और यह तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जितना भी ठोस होगा उसमें ज़्यादा, और निर्वात में बिल्कुल जीरो, निर्वात में प्रकाश चलता है। ठीक है, मानव शरीर के में होमोग्लोबिन का कार्य है, ए ऑक्सीजन परिवहन करना, बी जीवाणु को नष्ट करना, सी रक्त अल्पता को रोकना, या डी लौह को उपयोगी बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, क्योंकि लाल दुग्धकणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में लोहा भी पाया जाता है, बिल्कुल जी HG होता है। ठीक है, होमोग्लोबिन में क्या होता है आपका हीमो होता है ना, एच, तो हीमो जो पाया जाता है वो आपका लोहे का उसमें पाया जाना ठीक है स्वाभाविक है। हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता यह है कि यह ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्थायी यौगिक बनाता है जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। यह O2 को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाता है। ठीक है, तो इसका ए सही आंसर होगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी इसमें से सोचिए। ठीक है, तो ये थे आपके एस चंद्रशेखर। न्यूट्रॉन तारे का अपरिमित द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेतित हो जाता है, ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य मुक्त बिंदु को ब्लैक होल कहते हैं। इसको सबसे पहले एस चंद्रशेखर ने खोजा था, इस वजह से इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। और ठीक है, तो 1.44 द्रव्यमान जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, सौर द्रव्यमान या आपका चंद्रशेखर लिमिट। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है, ए है उत्तल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या गोली दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा और ये प्रतिबिंब सीधे वह वस्तु से छोटे होते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को प्रतिबिंब को छोटा ठीक है क्षेत्र में दिखाया जाता है। तो इस ट्रक चालकों को या मोटर चालकों द्वारा इसको बगल में लगाया जाता है। जितनी भी हमारी जो बाइक है या गाड़ी है उसमें साइड मिरर जो होते हैं पीछे को देखने के लिए, उसमें कौन सा लगा होता है, उत्तल दर्पण, ताकि पीछे की चीज़ें हमें छोटी दिखाई दे और शीशे में सब कुछ हम देख सकते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। इसका प्रयोग कार की बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में किया जाता है। अगला है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, प्याज क्या निष्कासित करते हैं, प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। याद रखना, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन आता है फर्स्ट वाले में सल्फोनिक और सल्फेनिक, तो सल्फेनिक अम्ल होता है। ठीक है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं कि है ना, क्योंकि सल्फेनिक अम्ल इसमें से निकलता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में किया जाता है, ए टेफ्लॉन, बी नियोप्रोइन, सी PVC, डी गट्टा पर्चा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए यानी कि टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक मतलब नहीं चिपकने वाली कढ़ाइयों पर किया जाता है, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं उसमें टेफ्लॉन होता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, ए जल का उतना बढ़ जाता है, बी जल का उतना घट जाता है, सी भोजन का कम उसमें रहता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जल का उतना बढ़ जाता है इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। अगला देखते हैं,
प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे ऐसा करने पर जो बनेंगे यह बनेंगे अनंत। ठीक है, ये दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिए जाए तो ठीक है, शून्य का मान क्या होगा, मतलब जो आपका डेल्टा का मान होगा शून्य होगा। ऐसी स्थिति में दर्पणों के बीच रखी गई जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वह अनंत इन्फिनिट बनती है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ जो माना जाता है वो सिलिकॉन होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं धातु के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए है कैल्शियम, बी है आपका फास्फोरस, सी फ्लोरीन या डी आयोडीन। तो इसका आयोडीन होगा। कैल्शियम, फास्फोरस तथा फ्लोरीन अस्थि तथा धातु के निर्माण तथा निर्माण को मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। आयोडीन थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है जिसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ठीक है, यह किया जाता है कौन सा? पॉलीकार्बोनेट। ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट बहुलक का प्रयोग ब्लड प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ठीक है, तो इसमें से किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी बी देसाई ने। अगला है, कैल्सी फेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? कैल्सी फेरोल रासायनिक का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम हो जाएगा बी विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कोले कैल्सी फेरोल है। यह गर्भ में बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाने सहायक होता है, इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, अगला है, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? कीटों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? आपको बताने कौन सा सही नहीं है इसमें से पारिस्थितिक तंत्र के लिए। ठीक है दोस्तों, फटाफट बताइए। यह अजैविक तथा जैविक दोनों संगठनों का युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह एक प्रकृति संसाधन तंत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह एक बंद तंत्र होता है, क्योंकि यह बंद तंत्र नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो बंद तंत्र इसका नहीं होता है, जो भी संगठन होते हैं खुले होते हैं। ठीक है, तो यह जैविक दोनों संगठनों का युक्त होता है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है अजैविक और जैविक दोनों संगठनों का तंत्र होता है, युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक प्रकृति संसाधन तंत्र होता है, यह एक बंद तंत्र नहीं होता है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है किस चीज़ का? ठीक है, केवल दाएँ हाथ का, केवल बाएँ हाथ का, केवल दोनों पैरों का या दोनों हाथ एवं पैर का? तो जब किसी को डॉक्टर कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका अर्थ होता है उसको दोनों हाथ एंड पैरों का क्या हो गया है? पक्षाघात। टेट्राप्लेजिया को क्वेडरी प्लेजिया भी कहते हैं। यह बीमारी गंभीर चोट के परिणाम स्वरूप होती है, इसमें मनुष्य के हाथ पैर धड़ सभी में पक्षाघात हो जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? ठीक है, तो इसमें कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लकड़ी या जर्मेनियम? तो इसमें से अर्धचालक है डी जर्मेनियम। जर्मेनियम ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना के इस प्रकार होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और कहीं रिक्त बन जाता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं, इनका प्रयोग जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर के उपकरणों बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, यह थे आज की मेरी वीडियो। इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और शेयर भी अपने दोस्तों के बीच करना। ठीक है, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हो तो। और दोस्तों, इसी प्रकार से आपके लिए और भी वीडियो बना के लाऊँ, तो तब तक के लिए